और हमारे अब्दुल्ला भाई को सपोर्ट करें, हमारे अब्दुल्ला भाई को आगे कामयाब बनाएं। बस हमारी आप लोग से यही गुजारिश है। बस बिरयानी अच्छी रही, हम दवाई खाए, कोई तकल्लुफ नहीं किया। अगर तुम जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठो, क्योंकि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भाइयों, मैं अब्दुल्ला दमाम हेल्थ साथी में मैं रहता हूँ, लेकिन आज जुमा है तो आज छुट्टी मना रहा हूँ। अपने दोस्त के पास आया हूँ मुबारकिया में। मुबारकिया तकरीबन 5-6 किलोमीटर की दूरी है हजल साथी और मुबारकिया के बीच में। तो आज मेरे दोस्त हैं एक फैजाबाद के, उन्होंने हम दोस्तों की दावत ली थी, ये दावत खाने के लिए हम लोग आए थे और हम लोग अभी खा पी के बिल्कुल रेडी हैं। और मैं अभी अपने दोस्तों का इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। ये हैं जमाल भाई। जमाल भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुह। और अब्दुल्ला भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हैं सानू भाई। सानू भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ये सानू है बहराइच के, और ये तकरीबन शायद 11-12 साल तो ही 11 साल सानू भाई को हुआ है। और ये जमाल भाई हैं फैजाबाद के, 7.5 साल हो गए। जमाल भाई को 7.5 साल हुआ है। तो आज जमाल भाई की तरफ दावत थी हम लोगों की, और कैमरामैन मुबीन भी हैं साथ में, वही कैमरा वीडियो बना रहे हैं। तो जमाल भाई आज माशाल्लाह बहुत अच्छी खातिरदारी आ गया जी, और क्योंकि रूम छोटा था इसलिए वीडियो बनाने का मौका भी नहीं मिला। इंशाल्लाह फिर किसी दिन पार्टी वाला वीडियो बनाया जाएगा। ऐसे ही जुमा जुमा को हम दोस्त जो है मिलकर एक दूसरे का जो है दावत तवाजा होता रहता है यहाँ पर सऊदी में। और कौन है दोस्तों के अलावा यहाँ, कौन है, बस यही दोस्त हैं, बस ऊपर अल्लाह नीचे बस दोस्त दोस्त हैं, बस ऐसे हम लोग मौज करते हैं। सही बात। जुमा को जी और सुनाए जमाल भाई आप। बस अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला भाई, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक है। जी जी, बस हमने यही सोचा कि भाई आप लोग की दावत कर दी जाए। जी शुक्रिया। फिर जुमे के अलावा किसको फुर्सत रहती है, टाइम जी टाइम ही नहीं रहता है और क्या। और हाउस ड्राइवर की नौकरी तो बस बस अल्हम्दुलिल्लाह जानते ही हैं कि हाँ खाने बैठे हैं, या अल्लाह सकल सैयारा। हाँ या अल्लाह सकल सैयारा, हर वक्त यानी 24/7 हम लोग को तैनात रहना पड़ता है। नहीं नहीं, मिलिट्री की नौकरी और ड्राइवर की नौकरी में कोई फर्क नहीं है जी, सही है, सही है, एकदम तैनात रहो। सानू भाई खा ही रहे थे कि फ़ोन आ गया उनका, तो अब हमने कहा कि 2-4 मिनट रुक जाओ भैया, वीडियो बन जाए तब जाना। सही सही, अच्छी बात है। जितना झूठ ये सऊदी बोलवाते हैं उतना झूठ खाकी बोलता नहीं है जी, सही बात। ये मसला है। अब अभी देखो खाना खा रहे थे, फोन आया, उसके बाद अभी बताया कि नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं जी। अब नमाज का बहाना लगा के बैठे हुए। सही बात। खाना खा के अभी 10-15 मिनट के बाद उसके बाद निकल जाएंगे हम लोग। सानू भाई मेन बहराइच डिस्ट्रिक्ट के हैं, और इनको 11 साल हो गया माशाल्लाह यहाँ सऊदी में। और तो तनख्वाह उनखा बराबर टाइम से दे देते हैं आपकी? नहीं पूरी नहीं मिलती, किस्त में देते हैं। किस्त में मिलता है, कभी आधी आज दे लो, आधी 15 दिन के बाद 4 बार फोन करो तो पैसा मिलता है। सही सही। और उसके बाद 11 साल हो गया अभी, लाइसेंस मेरा रिन्यूअल नहीं हुआ। काफी पावरफुल है इसलिए शायद ऐसा नहीं कर रहा जी। वो कहता है क्या ऐसे ही मुश्किल आना मुश्किल। सही बात। यानी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं उसकी जिम्मेदार हूँ, यानी ऐसे ही मुश्किल आना मसूल, इसका मतलब ये हुआ। सही। और सुनाइए सानू भाई। सब बढ़िया आराम से, बस यही दो परेशानी है कि लाइसेंस नहीं रिन्यूअल करा रहा और तनख्वाह आधा ही। बाकी कफिल ठीक है, बाकी ठीक है, गाड़ी घोड़ा किधर भी लेके टहरा करो, मुश्किल नहीं है। सही। बस यहाँ पे बस यही सब गिर नहीं होना चाहिए, बाकी अब क्या किया जाए। बाकी तो अल्लाह मालिक है। लिखी है जैसे भी दुख हो सुख हो काटना तो पड़ोगे कभी। जी जी जी, वो तो बात है। थोड़ी बहुत तो परेशानी तो होते हैं, पैसा अगर ज्यादा कमाना है तो थोड़ी बहुत तो परेशानी हो ही। सही बात।
सुख में कटे या दुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में। माशाल्लाह, सही बात। और सुनाइए जमाल भाई, कब जा रहे हैं छुट्टी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अभी तो छुट्टी जाने का कोई प्लान ही नहीं है जी। अगली बार आए थे 5.5 साल टिके थे, अब की साल सोच रहे 6 साल टिक जाऊं। और 5.5 साल? हाँ, 5.5 साल टिके थे अगली बार, यानी छुट्टी नहीं गए? छुट्टी गए नहीं, एकदम 5.5 साल, एक साल कंटिन्यू 5.5 साल। अब की साल तो सोच रहा हूँ 6.5 साल रुक जाओ, 6 साल रुक जाओ। और क्या, 2 साल में हम लोगों की हालत खराब हो जाती है। ओ, ये बिचारे नहीं, फर्स्ट टाइम आया था मैं, फर्स्ट टाइम आया था, 5.5 साल बाद गया। तो सानो भाई कब जा रहे हैं आप? तो सानो भाई इंशाल्लाह अगले साल जाएंगे, यानी स्कूल बंद होते हैं ईद के बाद। इस टाइम अभी नया निज़ाम निकला है कि बकराईद में बंद होगा, पहले था कि ईद के बाद, ईद से पहले बंद हो जाता था, अब ये बकराईद से 8-10 दिन पहले जाएंगे सानो भाई इंशाल्लाह। हाँ, पहले तो रमजान के बाद में बंद हो जाता था जी, अब बकराईद में बंद होगा जी। ये लोग खाली अपना आसानी देखते हैं। हाँ बस, हम लोग का आसानी नहीं देखते कि हाँ क्या होना है क्या नहीं होना है। सही बात, हम लोगों को जब भी जाना है गर्मी में ही जाना पड़ेगा। सही बात। तो और बताइए अब्दुल्ला भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप आए रूम पर, हमारे बहुत खुशी हुई, खुशी की हमारी कोई इंतहा नहीं है। ऐसे ही अगर दोस्त यार हमारे आते रहेंगे तो हमारा दिल एकदम खुश खुश रहेगा। अगर कोई इंडियन मिल जाता है या अपने यूपी का मिल जाता है, सही, तो दिल खुश हो जाता, लगता है कि अपने भाई के पास या अपने सही बात में बैठे हुए। सही बात है। जमालुद्दीन भाई ने शनिचर को ही बता दिया था कि जुम्मा को आना है, आप लोगों की दावत है, तो इसलिए हम लोग आए थे और हमने अपना वादा पूरा किया। अब इंशाल्लाह बहुत आप भी आइएगा, बढ़िया बनावा इंशाल्लाह, मजा पाएगी बिरयानी के, होटल के अंदर आएंगे जैसे बिरयानी ही बनाएंगे। सही, इंशाल्लाह। और बताइए, मजा आएगा बिरयानी, अगर घर की याद आएगी। कोई कैमरा मैन नहीं था, वरना वो पार्टी वाला वीडियो बनता था। हाँ, सब लोग खाने ही बैठ गए थे, ध्यान में आया ही नहीं खाने के बाद। चार आदमी खाने के लिए नहीं, अच्छी बात है। और भाई दबाई के खाए, भैया बिरयानी अच्छी रही, हम दबाई के खाए हैं, उनको तकल्लुफ नहीं किया। नहीं, अच्छी बात है, मिला जब होटल में जाओ 20-25 रियाल दो, घर की बिरयानी मसाला अलग है, चावल अलग है, बिरयानी भैया एकदम घर की तरीके से लगा। अगली बार इंशाल्लाह वीडियो बनेगा। हाँ, अगली बार इंशाल्लाह पहली जल्दी आएंगे और बनाते हुए भी वीडियो बनाएंगे और खाते टाइम पे भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। और भाई लोग, जितने लोग वीडियो देखेंगे कमेंट में हमारे अब्दुल्ला भाई को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं। इंशाल्लाह इसके बाद में थोड़ा कॉमेडी की भी वीडियो बनेगी, आप लोग देखें और हमारे अब्दुल्ला भाई को सपोर्ट करें, हमारे अब्दुल्ला भाई को आगे कामयाब बनाएं। बस हमारी आप लोग से यही गुजारिश है बस। चलिए ठीक है, खुदा हाफिज। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। और मैंने बाइक डिलीवरी के बारे में वीजा डाला था और कई भाइयों ने कमेंट किया है, इंशाल्लाह मैं इसके बारे में और भी जानकारी दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। कैमरामैन मुबीन के साथ मैं अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम।